मैथ्स इज वेरी सिंपल, आपको ये लग सकता है कि मैं आइडियली पूरे के पूरा 10 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दूं, इसके बदले सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देने की एडवाइस दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड, लेसर क्वेश्चंस बाय हैंड। एग्जाम में सॉल्यूशन करने के बाद भी 100% सर्टेन नहीं होते हो कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, 6-8 घंटे एथिक्स पढ़ रहे हो, बिकॉज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज सच दैट देर आर सो मच वर्बोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व, सो मेनी जार्गन्स इन्वॉल्व। आपको ये करना चाहिए कि आप दिन में एक घंटा आधा घंटा उसे एलोकेट करते जाएं और प्रिपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। हेलो कैंडिडेट्स, मैं हूं CFA करण सिंह, लीड फैकल्टी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर CFA एजुकेशन। आज मैं आपसे बात करने आया हूं फाइनल मंथ की प्रिपरेशन प्लान के बारे में। आई वुड सेग्रीगेट योर करंट प्रिपरेशन इनटू टू सेगमेंट्स और टू कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1, द मोस्ट आइडियल सिनेरियो, मीनिंग आपका 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिविजन रहता। कैटेगरी 2, 7-8 सब्जेक्ट हुए, आइडियल सिनेरियो तो नहीं है, बट यू कैन स्टिल पुल थ्रू। आइए डिटेल में बात करते हैं दोनों कैटेगरीज के बारे में। विल स्टार्ट विद कैटेगरी 1। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर प्रिपरेशन इज इंडीड गोइंग रियली वेल। अब आगे कैसे प्लान करना है ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन अ पॉइंट बेस्ड मैनर। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट रीडिंग ऑफ योर बेस मटेरियल। ये आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, व्हाटएवर द केस में भी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 100% कोर्स कवरेज करना बहुत जरूरी है। Nothing is more important or less important. Each portion is equally testable. Moving to point 2, questions कितने solve करने चाहिए? Last month है, time कम है, questions ज़्यादा solve करेंगे तो revision का time कम रह जाएगा। Revision ज़्यादा करेंगे, questions नहीं solve करेंगे हाथ से तो confidence lose होता है। Solution क्या है इस बात का? Very simple. Ideally, you should see the solution of easy questions. Just audit those. I'm sure आपने वो पहले ही attempt किए होंगे। What about the difficult questions? Solve them by your hand. अपने हाथ से question निकालिए, इससे ये होगा कि आपको भरोसा होगा कि आपसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, इट्स लाइक दिस, आई लीव इट अप टू यू, बट द बेस्ट वे शुड बी कि आप मिक्स एंड मैच करते रहें इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स को, इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को। मीनिंग अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम्पल कॉन्ट, तो पहले कॉन्ट करिए और सब्जेक्ट नंबर 2 आइडियली थोड़ा सा इजी होना चाहिए, लेट्स से समथिंग लाइक अल्टरनेटिव्स। ईजी और मुश्किल ये मैं आपको खुद के लिए डिसाइड करने दूंगा, दोज कैन वेरी फॉर ईच कैंडिडेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोग पूछते हैं, सर मॉक एग्जाम्स कितने दें, किस टाइम पे देने चाहिए, क्या आइडियल स्कोर आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आइए डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से 1 टेस्ट अ वीक इज गुड इनफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर टेस्ट। आप 2 टेस्ट करें और उसे एनालाइज ना करें, ये बेवकूफ़ी होगी। इससे बहुत बेटर है एक टेस्ट करिए एक बार में, बट उसे एनालाइज करिए बहुत अच्छे से। ये देखिए कि आपसे गलतियां क्या हो रही हैं। इन केस योर टेस्ट स्कोर इज नॉट आइडियल, लेट्स से आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर आया 55-60% के रेंज में, दिस इज नॉट आइडियल, 70% के आसपास होना चाहिए MPS। तो अब आपको क्या करना चाहिए? माय सजेशन इज इसके आगे मॉक टेस्ट ना दें। यस, यू हर्ड इट राइट, मुझे लगता है आपको इसके आगे मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए, बिकॉज आप लास्ट लेग में हैं। लेट्स से अगर आप मॉक टेस्ट देंगे और आपका स्कोर दोबारा 50-60-70 तक भी आ गया, तो भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एग्जाम रेडी हैं। आपको लगेगा चलो डिफरमेंट का ऑप्शन अवेल कर लेते हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, ट्रस्ट मी। आपको रादर क्या करना चाहिए, अगर आप 50-65% के स्कोर पैटर्न में फॉल कर चुके हैं, तो आइडियली आई विल से फोकस मोर ऑन योर रिविजन्स। वंस यू हैव रिवाइज 2-3 सब्जेक्ट्स थरली, आप सिर्फ ये 2-3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दें। मैथ्स इज वेरी सिंपल, आपको ये लग सकता है कि मैं आइडियली पूरे के पूरा 10 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दूं, इसके बदले सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देने की एडवाइस दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। आप 2-3 सब्जेक्ट्स के 3 बार ही टेस्ट दे दीजिए। द मैथ्स इज आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलेगा L1 में और 3 मिनट मिलेगा L2 में। सो अगर आप एक 20 क्वेश्चंस का सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 20 × 1.5 30 मिनट्स का आइडियल टाइम है। 30 मिनट के 5 टेस्ट देना बहुत बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू गिविंग 1 टेस्ट ऑफ 2 hours 15 minutes ईच। तो दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी, लेट्स मूव टू द सेकेंड कैटेगरी नाउ। यहाँ हम उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे जिनका 7-8 सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, पर 2-3 सब्जेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट्स इन माय ओपिनियन फॉल इन दिस कैटेगरी। आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि इसके आगे एग्जाम देने का फायदा नहीं है, या तो डिफरल ले लेते हैं, बिकॉज अगर एग्जाम देंगे तो भी फ्लंक ही होना है। आई डोंट रियली थिंक सो, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ट्रस्ट मी। एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखिए, CFA इंस्टीट्यूट कहता है कि 300-350 घंटे में पूरा का पूरा L1 L2 कंप्लीट किया जा सकता है। ट्रस्ट मी, आपके पास समय कितना बाकी है,
ऑलमोस्ट 300 to 350 hours. अगर CFA इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि 300 घंटे में पूरे 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए जा सकते हैं, तो क्या आप 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना और 8 सब्जेक्ट्स का रिविजन करना नहीं कर सकते? मुझे तो लगता है बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास एक चीज का समय जा चुका है, सेल्फ डाउट करने का, वो ऑप्शन नहीं बचा है बिल्कुल। एक एक्शनेबल प्लान बनाते हैं और उस पर वर्क करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक्शनेबल प्लान। इट्स लाइक दिस, मान लो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स ओपन पड़े हैं, लेट्स से फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। आपको क्या करना चाहिए? समथिंग ऑन दीज लाइंस। आप 5 to 7 days एलोकेट करिए फॉर इक्विटी। लेट्स से आपने 7 days एलोकेट किए इक्विटी को। इट्स लाइक दिस, आपको अपने एक कंप्लीट डे को 2 हाफ्स में डिवाइड करना चाहिए। 70% फर्स्ट हाफ, 30% सेकेंड हाफ। 70% ऑफ अ 15-hour डे वुड अमाउंट टू समवेयर अराउंड 10 hours. अगर आप 10 घंटे इक्विटी पढ़ते हैं, दिस शुड सफिशियंटली हेल्प यू कवर द ओवरऑल सिलेबस इन नेक्स्ट 1 week. जो इवनिंग के 5 hours हैं, दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल इन यू रिवाइजिंग द प्रीवियस सब्जेक्ट्स। आप अपने पुराने सब्जेक्ट्स को टच बेस करते रहिए। सर, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम सारा का सारा ओपन पीस एक बार में कंप्लीट कर लें और उसके बाद कंप्लीट रिविजन करें? नो, आई डोंट थिंक सो। इट्स लाइक दिस, जब एग्जाम में 15 दिन बाकी होंगे या 10 दिन बाकी होंगे, द थॉट प्रोसेस दैट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग बट यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग इज अ स्केरी प्रोपोजिशन। इट्स लाइक दिस, आगे पार्ट पीछे सपाट, ठीक है ना? ये गलती नहीं करनी है हमने। हम रादर उस पोजीशन पे आना चाहेंगे दैट विल ट्राई टू टेक आर प्रिपरेशन डीप। हम एग्जाम के 5 दिन पहले पहुंच जाएं, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो अलॉन्ग विथ रिविजन्स, आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ पासिंग द एग्जाम। आप एक गलती बिल्कुल ना करें, डोंट ट्राई टू अपियर फॉर अ मॉक एग्जाम नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर अ फुल मॉक। इवन इफ यू वॉन्ट टू अपियर फॉर अ मॉक, गिव स्मॉल मॉक्स। 2-3 सब्जेक्ट्स का एक बंच बनाएं, उससे 20-30 क्वेश्चन उठाएं और हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन फॉर लेवल 1 एंड 3 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन लेवल 2 के मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करें। दिस वेज यू विल ए बी टेस्टिंग योर सेल्फ, बी you will be building up confidence that yes, you are moving in the right direction. At this point of time, confidence is the key. आपको अपनी preparation को इस तरीके से plan करना है कि आप last 5 दिन में जब पहुँचें, तब आपके पास सारा course complete हो and you should be in a good position to complete 2 revisions in last 5 days. Meaning, 3 days for first revision, 2 days for the second revision. This was about the second category. I think you still have a bloody good chance of passing the exam. Just keep having the belief and you should be sorted. One last part to this one. ये जो मैंने पूरी की पूरी preparation method बताया है, चाहे category 1 के लिए, चाहे category 2 के लिए, this is applicable for all 9 subjects. I repeat, for all 9 subjects. The subject for which this one does not apply is ethics. Ethics की preparation आपको blocks में कभी नहीं करनी चाहिए. Never plan your ethics preparation in such a manner कि आप एक ही दिन में 6-8 घंटे एथिक्स पढ़ रहे हो, बिकॉज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज सच दैट देर आर सो मच वर्बोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व, सो मेनी जार्गन्स इन्वॉल्व, कि 2-3 घंटे के बाद आपका माइंड शट डाउन हो जाएगा। आप रीड कर भी रहे होंगे बट उसे प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, इट विल बी अ ब्लडी बैड वेस्ट ऑफ टाइम। रादर आपको ये करना चाहिए कि आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा उसे एलोकेट करते जाएं और प्रिपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। दैट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स। नाउ मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट, डिस्कस करते हैं एक लास्ट पॉइंट। आई वॉन्ट टू गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम टिप्स विच विल कम इन रियली हैंडी। लेट्स मूव ऑन। पॉइंट नंबर 1, आपको एथिक्स एग्जाम में फर्स्ट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट डू एथिक्स एज योर फर्स्ट सब्जेक्ट इनसाइड द एग्जाम हॉल। डू सम कॉन्क्रीट सब्जेक्ट लाइक कॉन्स, लाइक इकोनॉमिक्स और समथिंग। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जाम में सॉल्यूशन करने के बाद भी 100% सर्टेन नहीं होते हो कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। सो यू एंड अप रीडिंग इट टाइम एंड अगेन, वेस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन बिटवीन, विच विल एंड अप गिविंग यू मोर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द अदर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। इस वजह से आप एथिक्स को लास्ट सब्जेक्ट ऑप्ट करें इन योर एग्जाम हॉल। पॉइंट नंबर 2, As you move closer to the exam, focus on doing lesser questions by hand. Yes, you heard it right. Lesser questions by hand. Sir, कम questions करने की advice दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप exam की तरफ move कर रहे हो, तो trust your visual memory. ये सोचें कि हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। जो पिछली 5 बार, 4 बार, 2 बार के रिविजन में कर चुके हैं, उस सॉल्यूशन को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लें। इट विल reinvigorate योर मेमोरी, आपको ध्यान आ जाएंगे सारे के सारे concepts एंड यू शुड बी गुड। एग्जाम के अंदर आपसे सेम questions बन जाएंगे। अगर इतने revisions करने के बाद भी एग्जाम में questions ना बने, it's just not possible. So that was it at my end. As I always say,
May God be by your side. See you at the finish line. Thanks a lot. Bye-bye.